नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोटा विजिटर में। दोस्तों आज फिर हमने विजिट किया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और अभी जहां हम हैं यहां है मुकुंद्रा हिल्स टनल प्रोजेक्ट, और यहां यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग है। मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व का वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग यहाँ पर है, और इसी वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पास करने के लिए यहाँ पर चार चार लेन की दो सुरंगें बनाई जा रही है, जो लगभग 4.9 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगी। कोटा से लगभग 50 किलोमीटर साउथ में मुकुंद्रा हिल्स स्थित है। चार चार लेन की दो सुरंगें यहाँ पर बनाई जा रही है, जिसमें एक सुरंग जाने के लिए और एक सुरंग आने के लिए। और इसके वर्तमान में अंडरग्राउंड खुदाई की बात करें तो यहाँ 300 मीटर के लगभग अंडरग्राउंड ड्रिलिंग पहाड़ के अंदर हो चुकी है। वहीं हम बात करें इसके नॉर्थ पार्ट की, तो नॉर्थ पार्ट के अंदर भी लगभग 1200 मीटर से अधिक अंडरग्राउंड ड्रिलिंग अब तक हो चुकी है। इस टनल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने का टाइम है वो है 4 जनवरी 2024। यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बन रहा है, जिसका अनुरक्षण NHAI कर रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अनुरक्षण में यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, और यहाँ यह पैकेज नंबर 15 है। पैकेज नंबर 15 में यह टनल बन रही है। इस बोर्ड से पैकेज नंबर 16 शुरू हो जाएगा, जो MP बॉर्डर तक जाएगा, मध्य प्रदेश की सीमा तक। पैकेज नंबर 16 है, और अभी हम आगे चल के देखेंगे इसमें पैकेज नंबर 16 में और क्या काम हो रहे हैं, कहाँ क्या बन रहा है। यहाँ आगे एक चेचट में हमें इंटरचेंज मिलेगा, यह है इंटरचेंज, हम देखेंगे चल के अभी। और इसके बाद थोड़ा आगे हम चलेंगे तो जो मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाएगी, और मध्य प्रदेश की सीमा जो ही शुरू होगी तो वहाँ पर अभी हम चल के देखेंगे कि कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उधर मध्य प्रदेश की सीमा में। जैसा कि हम सुन रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर जितना भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है वो सब कंप्लीट हो चुका है, और जून महीने में ही इसको पब्लिक के लिए खोला जा सकता है, ऐसा सुनने में आया। तो हम ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे चल के कि भाई वास्तव में रोड कंप्लीट हो चुका है। तो हम ज़्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन हम चलेंगे जो राजस्थान बॉर्डर से MP बॉर्डर शुरू होगी तो भानपुरा इंटरचेंज आएगा आगे, और भानपुरा इंटरचेंज तक हम चलेंगे, और भानपुरा इंटरचेंज को भी हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर, और वो कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है ये सब चीज़ें हम जान पाएंगे, और कितना निर्माण कार्य उस इंटरचेंज का हो चुका है। भानपुरा इंटरचेंज जो ग्राम नीमथूर के निकट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रहा है, तो वहाँ तक हम चलेंगे और चल के देखेंगे। इसके बीच में आगे रेस्ट एरिया यहाँ पर बन रहा है थोड़ा दूर, तो हम रेस्ट एरिया भी देखते हुए चलेंगे। इसके बाद हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर पहुँचेंगे, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा है वहाँ से शुरू हो जाएगा पैकेज नंबर 17 नंबर का पैकेज वहाँ से शुरू हो जाएगा, और वहाँ दूसरी कंपनी काम कर रही है, और इस कंपनी का पैकेज यहीं तक समाप्त हो जाएगा राजस्थान बॉर्डर तक। तो हम देखेंगे उधर अभी कितना काम हो चुका है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो आगे चलते हैं हम, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ताकली रिवर है। ताकली रिवर के ऊपर एक और ब्रिज यहाँ पर बनाया जा रहा है, चार चार लेन के दो और ब्रिज है, बीच में जगह छोड़ी गई है, और चार चार लेन के दो और ब्रिज यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जिनका लगभग काम पूरा होने को है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कहीं पर दो लेयर और कहीं पर तीन लेयर तक डामर की बिछी हुई है, मैक्सिमम तीन लेयर बिछी हुई कंप्लीट लग रही है। इसके ऊपर एक लेयर और मात्र बिछानी है, एक लेयर और बिछाकर इस पर लेन डिवाइड कर दिए जाएंगे तो ये फाइनल हो जाएगा। और अब आगे चलेंगे हम तो देखते हैं क्या स्थिति रोड की है, और आगे चेचट इंटरचेंज है, चलते हुए देखते हैं। यह चेचट इंटरचेंज आप देख सकते हैं, यह SH9A के ऊपर
एक इंटरचेंज यहाँ पर बन रहा है ग्राम चेचट के निकट, चेचट कस्बा यहाँ पर है और यहाँ कोटा स्टोन की खदानें हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर जो यह इंटरचेंज आप देख रहे हैं, यह है SH9A को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है इंटरचेंज है। अभी इसके काम की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम काम है तो लगभग पूरा कर लिया गया है, जैसे कि ये ओवर ब्रिज यहाँ पर बना दिए गए हैं, ये थोड़ा काम और है जो यहाँ बहुत तेज़ी से काम यहाँ चल रहा है, जल्दी ही इस काम को भी पूरा कर लेंगे लोग, ऐसी आशा हम करते हैं। तो यह है आप चेचट का इंटरचेंज देख सकते हैं और यह है SH9A और SH9A यहाँ पर ये इंटरचेंज के लिए ही यह है अंडरपास है, यह है अंडरपास SH9A को पास करने के लिए यहाँ पर बन रहा है SH9A के क्रॉसिंग पर, और उससे पहले आप हमने देखा वहाँ से इंटरचेंज बनना शुरू हो गया, तो ये भी एक इंटरचेंज का ही पार्ट है और यहीं से SH9 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये सामने चेचट कस्बा है, आगे यहाँ से वेस्ट में इधर चेचट कस्बा है और इसके बाद आगे आएगा राउतभाटा, राउतभाटा लगभग 45 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा और इसके बाद इधर ईस्ट में है ये, यहाँ मोड़क है पास में 8 किलोमीटर जहाँ पर मंगलम सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है और उसको ये कनेक्ट करता हुआ रामगंज मंडी को कनेक्ट करेगा, इसके बाद झालावाड़ तक को यह कनेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरचेंज है और यह कोटा का अंतिम इंटरचेंज है, कोटा के दक्षिण सीमा में यह अंतिम इंटरचेंज, और यह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फैसिलिटी सेंटर यह बन रहा है, यह फैसिलिटी सेंटर है और एक तरह से यह रेस्ट एरिया है, रेस्ट एरिया यहाँ पर बन रहा है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दोनों ओर रेस्ट एरिया बन रहे हैं जो अलग अलग जो लेन फोर लेन जाने के लिए और फोर लेन आने के लिए जो लेन है उन लेन्स में इधर से उधर कोई नहीं जाएगा, उसके लिए अपने अपने लेन पर ही एक अलग ही सेम रेस्ट एरिया जैसा इधर और वैसा ही उधर दोनों तरफ ये रेस्ट एरिया आप देख सकते हैं और इसमें जो पूरी सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिलेगी जैसे कि आपको यहाँ होटल रेस्टोरेंट फूड कोर्ट और यहाँ पर फ्यूल स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन और सर्विस सेंटर्स और गाड़ियों के पार्ट्स के वगैरह की दुकानें और यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर, किसी को इस ट्रॉमा सेंटर में लाना पड़े तो इसके लिए यहाँ एक हेलीपैड भी यहाँ पर बन रहा है, यहाँ कहीं से भी हेलीकॉप्टर के द्वारा कोई भी गंभीर घायल किसी आपात स्थिति में उसको एयरलिफ्ट करके तुरंत ही यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा और उसका यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो फैसिलिटी सेंटर में सब सुविधाएं यहाँ पर आपके लिए की गई है और इसके बाद हम चलते हैं आगे। आप ये देख सकते हैं जहाँ से हम टनल से चले तो ये रोड की यही स्थिति है, यहाँ कहीं दो कहीं तीन लेयर मैक्सिमम तीन लेयर डामर की बिछाई जा चुकी है और चौथी लेयर भी बिछाई जा रही है, चौथी लेयर बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है इस पर और कहीं कहीं तो चौथी लेयर बिछा भी दी गई है लेकिन उस पर अभी लाइन डिवाइड करने हैं, लाइनें डालने बाकी है। दोस्तों हम फाइनली आ पहुँचे हैं यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर, MP राजस्थान बॉर्डर पर हम इस समय हैं और आप देख सकते हैं यह MP और राजस्थान बॉर्डर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर है। दोस्तों यहाँ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, एक सुंदर सा कमेंट भी आप हमें कर सकते हैं और कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर भी क्लिक कर लेना ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो पहुंच सके आप तक भी। और यहां से साउथ में जो यह एरिया शुरू हो जाता है मध्य प्रदेश का और यहां से जो नॉर्थ में है वो है एरिया है राजस्थान का।
तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है और स्पष्ट यहाँ पर खींची हुई बॉर्डर आपको दिख सकती है। इधर ये मध्य प्रदेश है, आप देख सकते हैं चारों लेन कंप्लीट इधर कर दिए गए हैं और लेन डिवाइड भी करके और लाइनें यहाँ पर डाल दी गई है। इसका मतलब है कि रोड पूरा कंप्लीट है इधर। और इधर ये यहाँ से राजस्थान है और राजस्थान में हम टनल से ही इस रोड को देखते आ रहे हैं, तो काम काफ़ी फास्ट चल रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, डिले तो नहीं होगा, लेकिन ये आपने देखा अभी जो स्थिति है राजस्थान की, और यह है एमपी की स्थिति। यहाँ बहुत फास्ट काम चला और अब तक सब कंप्लीट काम मुझे यहाँ पर बॉर्डर पर नज़र आ रहा है। और राजस्थान की बॉर्डर पर अभी मुझे यहाँ पर तीन लेयर अभी यहाँ बिछी हुई दिख रही है और एक लेयर और चौथी लेयर बिछेगी तो लगभग ये भी फाइनल हो जाएगा। इसमें ज़्यादा डिले तो इसमें भी नहीं होगा, टनल तक यहाँ से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इधर एमपी में तो कंप्लीट है, इसी मध्य प्रदेश के अंदर तो आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट दिख रहा है मुझे। और यह बोर्ड यहाँ पर ये लगा, यहाँ से पैकेज नंबर 16 समाप्त हो जाता है और यहाँ से पैकेज नंबर 17 शुरू होता है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो आगे हम चल के देखते हैं भानपुरा इंटरचेंज तक, हम चल के देखते हैं कि इंटरचेंज का कितना काम अभी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे बोर्ड कंप्लीट करके लगा दिए गए हैं, सभी बोर्ड किलोमीटर के और सारे जो इंडिकेशन के बोर्ड है और जितने भी बोर्ड है ये सब लगा दिए गए हैं, इनमें कोई बाकी नहीं है काम। तो आप देख सकते हैं झालावाड़ और नीमच का ये इंटरचेंज यहाँ पर आएगा, ये बोर्ड बता रहा है। और यह मध्य प्रदेश का पहला इंटरचेंज है दिल्ली से मुंबई की ओर आते वक्त जो इंटरचेंज पड़ेगा, पहला इंटरचेंज मध्य प्रदेश के अंदर घुसते ही वो इंटरचेंज, यह भानपुरा इंटरचेंज है और भानपुरा इंटरचेंज से कनेक्ट करता है इधर झालावाड़ और इधर नीमच रावतभाटा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हम आप पहुँचे इंटरचेंज पर और यह है भानपुरा इंटरचेंज, भानपुरा इंटरचेंज है। आप देख सकते हैं इसका लगभग काम पूरा फाइनल होने को है और बहुत फास्ट काम चल रहा है, जल्दी ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। लगभग जो महत्वपूर्ण काम है वो तो सब पूरे हो चुके हैं, अब एक तरह से इनका जो फिनिशिंग का काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम बहुत जल्दी यहाँ पूरा हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद मुझे है। और आप ये देख सकते हैं सामने एक टोल का जो है, एक टोल टैक्स का यहाँ पर बनाया गया है। दिल्ली से हम आ रहे हैं और हम एग्जिट करते हैं यहाँ, इस इंटरचेंज से हम एग्जिट करते हैं तो यह टोल हमें यहाँ पर एग्जिट पॉइंट पर यह टोल मिलेगा। ये टोल टैक्स का जो टोल नाका है वो यहाँ बना दिया गया है और ये टोल आपको मिलेगा, तो यह यहाँ पर आपका पूरा हिसाब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर चलने का यहाँ हो जाएगा। और जब हम यहाँ से इंटर करेंगे तो आप वो आगे देख सकते हैं इसी साइड पर मुंबई की, और इस पर इंटर करेंगे तो वो ये सामने दूसरा टोल नाका उधर आपको मिलेगा, जो एंटर करते समय आपको ये टोल यहाँ पर मिलेगा, यानी कि आपको एग्जिट करते समय भी आपको टोल नाका यहाँ मिलेगा और एंटर करते समय भी टोल नाका मिलेगा। और इसी प्रकार से यह दूसरी ओर भी अगर हम दिल्ली की ओर एंटर करते हैं यहाँ से तो यह टोल नाका हमें मिलेगा यहाँ पर एंटर करते वक्त। और अगर हम मुंबई की ओर से आ रहे हैं और यहाँ पर एग्जिट करते हैं तो ये, और इस तरफ एग्जिट पॉइंट पर भी हमें टोल नाका यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें जहाँ जाना है वहाँ तक का जो टोल है वो एंटर करते समय ही आपका यहाँ कट जाएगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं दोनों तरफ दो दो मिला के और यहाँ चार टोल टैक्स इस एक इंटरचेंज के ऊपर आपको मिलेंगे, जो एक को एक टोल टैक्स आपको एग्जिट करते समय, एंटर करते समय और इसी प्रकार से दूसरी लेन पर भी एंटर एग्जिट करते समय आपको टोल टैक्स से निकलना पड़ेगा। तो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आए थे
दिल्ली से मुंबई की ओर, और अब हम वापस रिटर्न यहाँ से हो जाएंगे। तो आशा है इधर काम पूरा हो गया होगा, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ भी लगभग काम फाइनल में ही है, ज़्यादा काम बचा हुआ नहीं है। मुश्किल से एक महीने के अंदर इसको ये लोग पूरा कर सकते हैं, और जून तक इसको वाकई खोला जा सकता है। इस कंडीशन में ये रोड है, हमने देखा, ये बानपुरा इंटरचेंज है। यहाँ से आप नीमच के लिए जा सकते हैं, यहाँ से आप झालावाड़ के लिए जा सकते हैं, यहाँ से आप रावतपाटा के लिए जा सकते हैं, यहाँ से आप बानपुरा के लिए जा सकते हैं। हम वापस रिटर्न होते हैं, तो हम मुंबई से दिल्ली की ओर एक्सप्रेसवे पर वापस प्रवेश करेंगे। दिल्ली की ओर हम इंटर कर रहे हैं बानपुरा इंटरचेंज से, और हमें यहाँ पर मिलेगा टोल, और इस टोल से गुजर के, और यहाँ कुछ आपका होगा या तो आपको यहीं से टोल टैक्स की रसीद मिल जाएगी। आप यहाँ बताते हैं कि जैसे मुझे यहाँ से चेचट इंटरचेंज पे जाना है, तो चेचट इंटरचेंज तक का आपका टोल यहाँ से कट जाएगा, और उसके बाद में आप जब चेचट इंटरचेंज से एग्जिट करेंगे, तो चूंकि आप टोल चेचट इंटरचेंज तक का ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आपके लिए गेट खुल जाएगा और आप आसानी से हाईवे पे से एग्जिट हो जाएंगे आसानी से। और इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए कि आपने यहाँ से हम एंटर करते हैं और हम बोल देते हैं हमें चेचट इंटरचेंज तक का जो टोल है वो आप ले लीजिए हमसे, चेचट इंटरचेंज तक हमें यहाँ से जाना है, और इसके बाद हम चेचट इंटरचेंज पे एग्जिट नहीं हुए और आगे बढ़े, तो जो एक्सप्रेसवे के जो मुख्य लेन है, दोनों तरफ जो चार चार लेन है, तो मुख्य जो 8 लेन है उनके ऊपर कोई टोल वगैरह, कोई ब्रेकर वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा इस पर, और ये सब जो टोल वगैरह है स्लिप लेन में बनेंगे। इंटरचेंज पर जो स्लिप लेन है उसमें ये टोल बनेंगे, और एक्सप्रेसवे पर ऐसा टोल वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। और आपने टोल दिया चेचट तक का, और फिर आप निकल गए गोपालपुरा इंटरचेंज, और गोपालपुरा इंटरचेंज से आपने एग्जिट, तो वहाँ आपका जो है वो गेट नहीं खुलेगा, और जो चेचट इंटरचेंज तक का टोल तो आप दे चुके हैं, लेकिन चेचट से गोपालपुरा इंटरचेंज तक का टोल आपको फिर देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ से एग्जिट मिलेगा। मुझे लगता है कि इसी वजह से ये चार टोल टैक्स के जो नाके हैं वो इस एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हैं, इसका यही एक कारण हो सकता है। तो ये टोल टैक्स हमें मिलेगा यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एंटर हम करेंगे बानपुरा इंटरचेंज से, तो और उसके बाद ये हम वापस आ चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और आपने इस बीच देखा मुकुंदरा हिल्स टनल से लेकर और बानपुरा इंटरचेंज तक का पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हाल, और बीच में आपने देखी एमपी राजस्थान बॉर्डर। और आपको ये सब पसंद आया हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो पहुंच सके आप तक भी। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।